So okay friends, let's start with next problem. Calculate the heat generated when a condenser of 100 microfarad capacity and charged to 200 volt is discharged through 2 ohm resistor. मतलब एक कैपेसिटर है, it has been charged 200 volt, उसका कैपेसिटी है 100 microfarad और उसको बाद में कनेक्ट किया है एक रेजिस्टर को 2 ओम के और उसको डिस्चार्ज किया है, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। तो हीट जनरेटेड कितना है ये आपको खाली फंसाने के लिए दिया है। इसमें रेजिस्टेंस का कुछ मतलब रोल नहीं है, इट विल एक्ट एज अ लोड। लोड मालूम है ना, आपको बताया था मैंने, कोई भी अप्लायंस होता है जो हम कनेक्ट करते हैं उसको हम लोड बोलते हैं। अभी हम मोबाइल अपना चार्ज करते हैं, मतलब चार्जर का पिन होता है, तो चार्जर के पिन के लिए वो चार्जर के लिए आपका मोबाइल लोड होता है, मतलब वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र करके आपके मोबाइल की बैटरी में जाता है। वैसे ही यहाँ पे कैपेसिटर में जो एनर्जी होगा वो इसमें ट्रांसफर होगा, इसलिए वो हीट लॉस बोले ना उसको, या हीट जनरेटेड बोले, मतलब यहाँ पे हीट कितना जनरेट होगा, मतलब बराबर जितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा दैट मच ऑफ हीट विल बी जनरेटेड। सो डायरेक्टली आप फॉर्मूला यूज करो, यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वेयर, डायरेक्ट आएगा आपका आंसर 100 इंटू 10^-6 इंटू वी स्क्वेयर, मतलब फिर से 200 इंटू 200, इसको एक बोलो 100 किया तो ये कितना हुआ, 2 1 2 1 2 एक दो तीन चार पाँच छः और ये चला गया, so nothing, so it will be 2 joule and answer is also 2 joule, so I hope you understood that। बाद में क्या है बेटा, बाद में दिया है as c is equal to q by v can you say that capacitance c is proportional to charge, this is a very interesting question, q is equal to cv, so c is equal to q by V। तो वो बोल रहे हैं इफ V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विल C प्रोपोर्शनल टू Q, तो ये ऐसे होगा जैसे हम लिखते हैं ना R इज इक्वल टू रो इन टू एल अपॉन ए, देन रो विल बी आर ए अपॉन एल, तो हम बोलेंगे ए कॉन्स्टेंट रखा एल कॉन्स्टेंट रखा तो क्या रो प्रोपोर्शनल टू R होगा क्या, नहीं। सो इसको भी आंसर नो, वाई, बिकॉज कैपेसिटर आप ध्यान में रखो आपका जो कैपेसिटर है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो आपका कैपेसिटर एरिया बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट डाइइलेक्ट्रिक्स, आपने उसमें कौन सा डायलेक्ट्रिक यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहले तो एरिया ऑफ द प्लेट्स, दूसरा मतलब डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और तीसरा मतलब आपका डायलेक्ट्रिक यूज। सो कैपेसिटेंस विल नॉट बी डिपेंडिंग ऑन चार्ज, ओके, बट चार्ज विल बी डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइंट चार्ज ऑफ 2 microcoulomb is at center of a cubical Gaussian surface 9 cm on H. What is the net electric flux through the surface? ये भी थोड़ा tricky है, tricky मतलब कुछ भी नहीं करना है लेकिन दिखाने के लिए आपको लगता है इसमें सब कुछ करना होगा, कुछ भी नहीं है, Gauss theorem use करो, Gauss theorem होने के बाद हो जाएगा। charge दिया है आपको, चार दे Q इज इक्वल टू 2 microcoulomb और गॉसियन सरफेस दिया है, H दिया है और कुछ नहीं है, नेट फ्लक्स ओके थ्रू द सरफेस पूछे, सो Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 × 10^-6
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, 8.8 इंटू 10^-12, ये ऊपर जाएगा मतलब 10^6 बनेगा, ये बन जाएगा 4.4, सो 10/44, सो 5/11 10^6, आंसर कितना आ रहा है 2.26 इंटू 10^5 बराबर आएगा। खाली ये फाइव आ रहा है ना, फाइव का प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, सरफेस भी दिया है ना, ए एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन नॉट भी आ सकते हैं उसमें। देखो आप चेक करो, मैंने शायद थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखा होगा, इस आंसर को चेक करो कितना आ रहा है। तो आएगा आपका ये कितना दिया है, 2 μm दिया है, सेंटर पे दिया 9, सरफेस दिया है, अरे ओके, इंस्टेड ऑफ सिग्मा क्यू इन सिग्मा यूज करो, सिग्मा यूज करो, सिग्मा सिग्मा से आएगा, सिग्मा मतलब क्यू अपॉन ए ना, तो नहीं तो ऐसे करो, इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट करो, तो इसको ए सी डिवाइड करो, 9 cm है ना, तो क्यूब का सरफेस एरिया है ना, एक सिक्स फेसेस होगी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक का एल स्क्वायर, 6L² 9×9, अभी देखो कितना आता है, ये सब करके देखो, यू विल गेट द आइडिया, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से चेक करो, मेरे को व्हाट्सएप पे डालो, आई विल सॉल्व। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम नंबर 7, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ई नॉट एंड डायरेक्शन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एग्जिस्ट, इफ द पोटेंशियल वी इज जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देन इट्स वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स विल बी। ओके, आपको मालूम है E इज इक्वल टू माइनस dv/dr और dv/dx, एनीथिंग। ओके, अगर वो है माइनस dv/dx तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मेरा dv को माइनस edx और v को क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन माइनस edx, खत्म है। ओके, तो v इज इक्वल टू माइनस ई और dx का इंटीग्रेशन कितना, x, अब x को उन्होंने कितना बोले, x को उन्होंने आई थिंक x नॉट बोले ना, सो माइनस नहीं, मैं e को e नॉट बोले, e को e नॉट बोले, तो यहाँ पे e देखो e नॉट, तो आपका क्या होगा माइनस e नॉट इंटू एक्स, ये ऑप्शन है आपका। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या लिखा है, चार्ज ऑफ 5 coulomb एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ 500 newton व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 cm, सो चार्ज इज देयर, चार्ज दिया है आपको q इज इक्वल टू 5 coulomb, फोर्स दिया है एफ इलेक्ट्रिक विल बी 5000 newton, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है उसको, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 cm, डिस्टेंस दिया है 1 cm, सिंपल है एकदम, आप भी कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू क्यू ई को क्या बोलने का, वी बाय डी काम हो गया, सो v कितना बन जाएगा एफ डी अपॉन क्यू, सो 5000 × 1×10^-2 डिवाइडेड बाई 5 × 1 = 5, सो 1, 2, 3 ये में सो 10 आएगा, 10 volts, लेट मी चेक द आंसर, फाइव थाउजेंड न्यूटन दिया ना, एंड
कूलम दिया है, करेक्ट है, 10 वोल्ट है आंसर पहले ही। मैं सोचा 1000 वगैरह दे रहे हो। ओके नाइन्थ वन, लेट लेट अस सी। ओके नाइन्थ है 10। ओके सो लेट सॉल्व द प्रॉब्लम नंबर। आज देखो, आज मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक, वंस अगेन इज इक्वल टू -dv/dr पे लिया है, v/d पे लिया है, थोड़ा सा गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन थोड़ा सा टच करके दिया है, e का प्रोपोर्शनलिटी पे लिया है, ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मैं आई एम ट्राइंग टू गिव यू द वेरिएशन। ओके सो ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंगली। प्रॉब्लम नंबर 9, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज गिवन एज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स वाई, वी इज इक्वल टू 5x² प्लस 10x-9 वोल्ट्स। ये सिंपल है, ये आपने होमवर्क करना है पक्का। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई एट एक्स इज इक्वल टू 1, सो क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू -dv/dx, -d/dx ऑफ 5x² प्लस 10x-9। इसका हम डेरिवेटिव वगैरह मैंने आपको दिखाया है, इसका आंसर आंसर क्या आपके पास होगा, आप निकाल के देखो और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो कितना है। 5 × 2 = 10, 10x + 10, 10x + 10 आएगा, उसमें 1 डालो, इधर आंसर मिल गया। खाली इसको माइनस है तो प्लस माइनस का गलती मत करो, गेटिंग माई पॉइंट, उसको लिख के। ओके और एक है, वन मोर प्रॉब्लम वी विल सॉल्व। ये तो हो गया, टू प्लेट्स आर एट पोटेंशियल -10 वोल्ट एंड +30 वोल्ट, इफ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज 2 सेंटीमीटर द इलेक्ट, अरे एकदम V1 -10 सेंटीमीटर, V2 सॉरी नॉट सेंटीमीटर वोल्ट सॉरी, एंड V2 +30 वोल्ट D दिया है आपको, D कितना है 2 सेंटीमीटर, सो 2 × 10⁻²⁰ मीटर, और E पूछा है। ओके सो E विल बी, यहाँ पे अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कौन सा क्या करते हैं। प्लेट पहला कौन सा दिया आपको, 10 का दिया ना, मतलब ओ आपको सेकंड वाला पहले लेना पड़ेगा, सेकंड वाला पहले लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत है। कैसे देखा, तो ई का फॉर्मूला क्या आपका, -dv/dr, इसी को ही आप लिख सकते हो -δv/δr। अभी डेल्टा वी मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस बाहर निकाल, अपॉन डेल्टा आर मतलब वो आर लिखने का, वो नहीं वो डायरेक्ट, वेरी सॉरी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एवरीथिंग हैज चेंज्ड, शेड्यूल आल्सो, शेड्यूल ऑफ स्लीपिंग एवरीथिंग, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन आल्सो बीइंग अ हेड ऑफ द फैमिली। आप भी थोड़ा सा ठीक से नींद वगैरह ले लो, आराम से पढ़ाई करो, ये भी वक्त निकल जाएगा। चलो V2 - V1, सो V2 कितना है आपका 30, सो माइनस पहले बाहर निकालो, 30 - V1 कितना है -10 / 2 × 10⁻²। ये बाहर निकालता हूँ इसको, माइनस ये 30 - - प्लस, सो -40/2 × 10⁻², ये 20 हो जाएगा, अप आ जाएगा -2 × 20 × 10⁻², -2000। आंसर कितना है देखते हैं, कितना आ रहा है, ये प्लस आ रहा है उनका, उन्होंने क्या माइनस दिया क्या, ई का वैल्यू माइनस दिया आपको, ई का वैल्यू नहीं।
प्लस माइनस माइनस ना, अगर ये इधर डालो तो ये -30 प्लस -10। ये बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड ही पूछे ना, मतलब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा, बाकी कुछ नहीं। 2000 वोल्ट पर मीटर आएगा, नहीं तो न्यूटन पर कुलोमान। तो फ्रेंड्स, टुडे आई हैव नॉट गिवन यू एनी एक्स्ट्रा वर्कशीट फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू यू फॉर सॉल्विंग, सो बी अवेयर ऑफ दैट अबाउट प्रोजेक्ट। इफ यू आर मीन्स विलिंग टू डू दैट, यू आर हैविंग द एडिक्वेट अप्लायंसेस विथ यू, देन यू मे गो अहेड एंड यू मे give me the message on WhatsApp. So I want to continue with the project. So already one group has started. Already when last year I made the group members and the group leaders. So one of the group leaders has started with the collection of the information. I have given him soft copy also of project. So if you want to do that, you may also डू, यू मे आस्क मी फॉर द सॉफ्ट कॉपी। जो नए बच्चे अभी जो ए टू में आए हैं, अभी मतलब पहले वो ए वन में थे, अभी ए टू में हैं, उनके लिए भी हम लीडर वगैरह बनाएंगे। वंस द कॉलेज विल स्टार्ट, स्कूल विल स्टार्ट, वी विल कंटिन्यू विद दैट। उधर तक आपको अगर करना है तो कौन सा भी एक प्रोजेक्ट, बहुत सारे हैं, कौन सा भी एक प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूँ, यू मे कंटिन्यू विद दैट। Getting my point. So today we shall stop here. Tomorrow again we will come with some different problem. Or 1 week is there, whole week. 18 to 23. Okay, 1 week is there. So one by one, still we will solve some problems. मतलब एक एक दिन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, एक दिन में फिर से कैपेसिटर लिया, एक दिन में डायलेक्ट्रिक्स लिया, एक दिन में ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर लिया, एक दिन में ग्राफ क्वेश्चंस लिया, ऐसे करके हम वी विल कंटिन्यू विद अवर फ्लो एंड आई विल ट्राई टू ट्राई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू द मोर एंड मोर।